तो धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है उससे, वो इंग्लिश के शब्द बोलेगा तो हम इंग्लिश भी सीखेंगे। आप ये मत सोचना कि लैंग्वेज है तो बहुत टफ है, हम नहीं सीख पाएंगे। हम समझ जाएंगे किसको बुक बोल रहा है, किसको ट्रेन बोल रहा है, किसको एडी बोल रहा है, किसको बनाना बोल रहा है, किसको एप्पल बोल रहा है, किसको ड्रॉप बोल रहा है, किसको गेट बोल रहा है। मतलब ये बिल्ली को कभी गेट नहीं बोला, बिल्ली बोलते थे, पर बच्चा गेट बोलने लगा तो हमको समझ में आने लगा कि ये इसको गेट बोल रहा है, समझ रहे। तो बच्चे हमको सिखा रहे, अब धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने ऐसी पढ़ाई, हमारी क्या मजबूरी है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई, हमारे पास वो वातावरण नहीं था जिस वजह से हम उस चीज को नहीं सीख पाए। क्योंकि ऐसी सुविधा है उस समय नहीं हुआ करती थी, प्राइवेट स्कूलों का चला नहीं था, प्राइवेट स्कूलों में स्कूल है हर गाँव गाँव में छोटे छोटे, कई ना सके तो कई प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कई अच्छे तो कई ग्रामे पर स्कूल है। तो इससे सुधार धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ को एडाप्ट करना, जितनी फंक्शनिंग मोबाइल की आपको नहीं पता वो बच्चे को मोबाइल चलाते हैं, मतलब उसका माइंड कहीं ना कहीं हमसे साफ ज़्यादा तेज है, वो इस तरह की सिचुएशन में है, उसको सारी चीज़ें मिली, अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिला, अच्छे कपड़े मिले, अच्छी अच्छा एजुकेशन उसको मिला, जो आप और हम लोगों को उस समय नहीं मिला होगा। आज उसके पास वो सुविधा है तो उसकी रफ्तार भी उतनी तेज है, वो उतना ही आगे जितना मतलब जितना उसको अभी फैसिलिटी मिल रही है, उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उसका माइंड डेवलप होते जा रहा है और वो अपना काम कर रहा है। आज जब परफॉर्मेंस करता है वो स्टेज पे, वो माइक लेकर खड़ी होकर खड़ा होगा या बच्चे खड़ी होकर अपने गीत या अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग माइक पकड़ के ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, डर लगता है। चलो उसके बाद उसके पास रेकॉर्डिंग नहीं होती, उसके शब्द नहीं होते, हाउ टू प्रेजेंट इट है ना, कैसे बोल रहे, फिर इंग्लिश की बात आएगी तो फिर इंग्लिश में नहीं हो पाता है, ये परेशानी है। अब हम तो वहाँ पर भी कॉलेज में पढ़ाते तो हम देखते हैं कि अपने यहाँ से बच्चे जब पहुँचते हैं तो कितने कमजोरी उनकी होती है, क्या उनकी कमियाँ होती है, बहुत सारी क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिली। हमारे स्कूल का बच्चा जब वहाँ पहुँचेगा तो वो पे आप ही कुछ डेवलप होते जाएगा, वो अच्छा ही करेगा, अच्छा व्यक्तित्व उसका रहेगा, अच्छी जगह वो पहुँचेगा, और वो तब संभव है जब थोड़ा समय देना शुरू करें, घर पर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी जवाबदारी स्कूल और हमारी है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं पढ़ा सकते, बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पता, कुछ लोगों को कई सारे सब्जेक्ट नहीं पता, पर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखें कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं, मोबाइल यदि देख रहा है तो क्या देख रहा है, उसमें उतना उसका नोटिस कर दें। उसके बाद में ये देखते हैं कि उसको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो करता है कि नहीं करता, और उससे पूछ ले लो उसको, तो आज एक सब्जेक्ट का बताएगा, कल दो सब्जेक्ट का बताएगा, कल तीन सब्जेक्ट का, ऐसा उसका लेवल बढ़ता जाएगा, आपको भी सुनने में आएगा कि आज हिंदी पढ़ाई है, मैथमेटिक्स पढ़ाई है, फिर आपसे शेयर भी करेगा वो कि मुझे मैथ्स में समझ में नहीं आया, उससे मुझे ईवीएस में समझ में नहीं आएगा, तो आपको भी समझ में आएगा। तो आप सोच कर लगेगा कि ईवीएस में नहीं समझ में आया तो आप सीधा परफेक्ट कर सकते हैं स्कूल से, या उसको ईवीएस में समझ में नहीं आया ईवीएस को पढ़ा, आपको पता चलने लगेगा कि हमारे 50 फैकल्टी है या हमारे 24 फैकल्टी 50 वर्किंग स्टाफ हमारा है, तो उसमें से किसका व्यवहार कैसे है, कौन क्या करता है, कौन से पवार सर क्या पढ़ाते, तो साहू मैडम क्या पढ़ाते, तो काले सर क्या पढ़ाते, तो दौड़े मैडम क्या पढ़ाते, सब पता चलना शुरू हो जाएगा।